इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लीक्स का इस्तेमाल भी करूंगा, इसलिए स्पॉइलर अलर्ट। हर जुरासिक वर्ल्ड मूवी में ह्यूमन विलन्स होते ही हैं, जैसे जुरासिक वर्ल्ड में विक हॉस्किंस जो रैप्टर्स का इस्तेमाल वॉर में करना चाहता था, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में एलाई मिल्स जो इंडोरैप्टर का इस्तेमाल वॉर में करना चाहता था, साथ ही साथ उसने इस्ला न्यूब्लार के डायनासोर को ऑक्शन में बेच दिया। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में भी ह्यूमन विलन्स होंगे। सबसे पहला ह्यूमन विलन है रेन डेलाकॉर्ट। इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे स्कॉट हेज। रेन को इस लेगो सेट में देखा जा सकता है जिसमें ब्लू के बेबी बेटा को कैप्चर किया गया है। ट्रेलर में भी हमने इस सेम व्हीकल को देखा था जो ब्लू की तरफ आ रहा था, यानी रेन ने ही बेटा को कैप्चर किया था। ब्लू ने बेटा को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन रेन ने शायद इस ट्रैंकुलाइजर से ब्लू को बेहोश कर दिया। चांसेस कम है कि बायोसिन ने ब्लू को भी किडनैप किया होगा, क्योंकि ब्लू का डीएनए अब प्योर नहीं है। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में उसके अंदर रेक्सी का खून डाल दिया गया था उसकी जान बचाने के लिए, और ये बात वो को पता है, पर बेटा का डीएनए पूरी तरह से प्योर है, इसलिए बायोसिन को सिर्फ वही चाहिए। सेकेंड विलन का नाम है सोयोना सैंटोस। इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं डिचेन लेचमैन। माल्टा वाले सीक्वेंस में रेन और सोयोना दोनों मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एट्रोसेप्टर ट्रेनर हैं। इस ट्रक का बिहाइंड द सीन हमने बहुत पहले देखा था। और अब हमें पता है कि इसके अंदर एट्रोसेप्टर्स को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू लीक्स, बायोसिन वर्कर्स को जैसे ही ये पता चलता है कि ओवेन और क्लेयर मेजी और बेटा के लिए माल्टा आए हैं, रेन और सोयोना जो बायोसिन के साथ काम करते हैं, वे एट्रोसेप्टर्स को इन दोनों के पीछे छोड़ देंगे। इन एट्रोसेप्टर्स के अंदर लेजर टारगेटिंग वाली एबिलिटी है, बिल्कुल इंडोरैप्टर की तरह, जहां लेजर जिस शिकार पर है ये रैप्टर्स उसी का पीछा करते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था। थर्ड विलन है लुइस डॉटसन। ऐसा व्यक्ति जो 1993 में जुरासिक पार्क की तबाही का कारण था, ये बायोसिन कंपनी का CEO है जो जनरल पब्लिक के सामने बिल्कुल अच्छा है, पर बिहाइंड द सीन काफ़ी शेडी काम करवाता है, जैसे इलीगल डायनासोर ब्लैक मार्केटिंग और बैटल अरीना, न्यू डायनासोर क्लोनिंग, अपने हेडक्वार्टर में डायनासोर को रखना ताकि फ्यूचर में उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके, और अपनी कंपनी की फूड सप्लाई बढ़ाने और हद से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए डॉटसन ने स्पेशल लॉकस्ट यानी टिड्डे बनवाए हैं जो सिर्फ दूसरों की फसलों को बर्बाद करते हैं, बायोसिन की फसलों को नहीं। तो ये थे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के विलन्स। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।